हेलो। दिन का चैन तो वैसे ही आप मेरे हवाले कर चुके थे, लगता है आप रातों की नींद भी मेरे नाम लिख रहे हैं। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे। क्या हालत हो गई तुम्हारी इंस्पेक्टर राजीव, खुद पे इतना भी यकीन नहीं रहा कि मुझे अपने आप पकड़ लो। देख, तेरी दुश्मनी मुझसे है, तू जहां बोल मैं वहां आता हूं, मगर मेरी वजह से बेगुनाह लोगों को मत मार। मैं किसी को कहां मार रहा हूं इंस्पेक्टर राजीव, आप ही किसी को बचा नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, इतना काबिल और जांबाज इंस्पेक्टर अपने इलाके में कत्ल करने वाले एक छोटे से मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। जल्दी कीजिए साहब, वरना पब्लिक क्या कहेगी, आपके सीनियर्स, प्रेस वाले, अखबार वाले और आपकी प्यारी प्यारी बीवी, सबकी नजरों में गिर जाएंगे आप। क्या चाहिए तुझे? हाँ, अभी तो खेल शुरू हुआ है साहब, आगे आगे देखिए हम आपको कैसे और कहाँ कहाँ मात देते हैं। शीतल, तुम्हें पता है अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा, ना ही कभी कमिश्नर का फोन आएगा और ना ही कोई ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे। हम इत्मीनान से छुट्टी मना सकते हैं। मतलब मैं रिजाइन कर रहा हूं शीतल। व्हाट? हाँ, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा आज तक, लेकिन उसकी एक एक बात, उसकी एक एक हरकत, उसकी एक एक बात इस बात की गवाही देती है कि वो मुझे हराना चाहता है। और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली राजीव? नहीं शीतल, मुझे हार से सख्त नफरत है, क्योंकि मैं हमेशा ही जीतता आ रहा हूं और शायद यही बात उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर उसकी जिद है कि वो इस खेल में मुझसे लड़के ही मुझे हराना चाहता है, तो फिर मैं ये खेल बिना खेले ही हार जाना चाहता हूं। क्या फायदा ऐसी जीत का जो कि लाखों बेगुनाह लोगों की लाश पर चढ़ के हासिल हो। मैंने अपने आप को एक हफ्ता दिया है शीतल, इस एक हफ्ते में मैं उसे पकड़ नहीं पाया तो मैं उसके रास्ते से हट जाऊंगा।